Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Mom's Kitchen. आज मैं बना रही पंजाबी स्टाइल जो कि कढ़ी होती है और मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी जैसे कि मेरी मम्मा बनाती थी घर में और मैं उनकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर मेरे पास 11 हरी मिर्चें हैं क्योंकि इसमें हम ज़्यादा हरी मिर्च डालते हैं और जो लाल मिर्च है वो कम डलती है। मेरे पास 1 मीडियम प्याज है, 7 to 8 मेरे पास गार्लिक क्लोव्स हैं, जिंजर है, 1 टमाटर है। इन सबको मैं इस ब्लेंडर में डाल लूँगी और अच्छा सा इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी हल्का सा वाटर ऐड करके। ये जो मैंने पेस्ट बना लिया है अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्चों का, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया बड़ी खुली सी अपने बर्तन में क्योंकि हमें कड़ी का मिक्सचर भी डालना है तो आपको खुला ही बर्तन चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। और इसका भी हम ड्राई करेंगे वाटर, फिर इसके हम ऐड करेंगे ऑयल। मैं आपको हर घर में डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, मैं आपको वो आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर में बनाई जाती है जिस तरीके से और खाई जाती है। ये मेरी मामा की रेसिपी है और माशाल्लाह बहुत वो खुद भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और मैं उनकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। चले नेक्स्ट, अब हम कढ़ी का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। एक कप मैंने योगर्ट लिया है, ये वाला कप जो होता है, और इसका मैं हाफ डालूंगी बेसन का ग्राम फ्लेवर का, और यही वाले 3 कप पानी में डालूंगी उसकी थिक लिक्विड सा बनाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए मैंने आधा कप लिया, मेरा कप गंदा हो गया, आधा कप का शायद, और अब मैं डाल दूंगी इसको अपने इस मिक्सचर में और इसको ब्लेंड कर लूंगी इस तरीके से। और मैंने इसको छान लिया, वाटर ड्राई हो गया सारा, इसका मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी आधा कप। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया आधा कप और इसमें मैंने डाला है, अभी मैंने नमक कम रखा है, इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है टर्मरिक। मर्जी आपको, मुझे थोड़ा येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको कम येलो पसंद कलर है हल्दी का तो आप कम डालें। अच्छा मिक्स कर लेंगे और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो जो मिक्सचर बना लिया हमने वो हम इसके अंदर पोर कर देंगे। ब्लेंड किया हुआ दही का और ग्राम फ्लेवर का मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया और इसमें मैंने किया था इस जग में। और अब आपको अगर लगे कि ठीक है आपने थोड़ा बेसन ज़्यादा डाल लिया बाय मिस्टेक तो आप पानी थोड़ा और ऐड कर दें। आप इस एक्टिव से 2 घंटे के लिए पकेगी स्लो फ्लेम पे। मैं एक उबाल आने दूंगी इस पर और उसके बाद इसकी जो फ्लेम है स्लो कर दूंगी और एटलीस्ट 2 घंटे बनेगी तब भी इसका जो टेस्ट है वो मज़े का होगा। एक और टिप दे रही हूँ, अगर आपका दही मीठा है तो इस स्टेज के ऊपर आप हाफ लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं और इससे जो कढ़ी वो खट्टी बनती है। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी थिक है तो मैंने इसके अंदर मज़ीद 2 कप और पानी के डाले हैं क्योंकि ये पतली होगी और पकने के बाद वैसे थिक हो जाएगी तो पतली होनी चाहिए ये। और अब मैं इसको एक उबाले का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके बाद मैं जो फ्लेम है वो स्लो कर दूँगी। देखें इसमें उबाला आ रहा है, अब मैं जो फ्लेम है स्लो कर दूंगी, ढक्कन दे दूंगी और इसको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून घर का कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर धनिया पाउडर घर का ही और 1 डाल दिया मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको इसके ऊपर ढक्कन देंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने 2 मीडियम प्याज काटी है लंबी लंबी और 3 मीडियम छोटे से मेरे पास आलू थे मैंने वो काटे लंबे लंबे, आपको जिस स्टाइल के पसंद है वैसे काट लें। और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च रखी हुई है, इनको काट लूँगी मैं और फिर इसके अंदर मैं ड्राई स्पाइस ऐड कर दूँगी। मैंने डाला है 1/2 टी स्पून गर्म मसाला, 1/2 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून ही क्यूमिन पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने डाली है इसमें कुटी लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून ही डाला चाट मसाला। सॉल्ट बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि जब हम कढ़ी में डालेंगे पकौड़े तो वो भी अब्जॉर्ब कर लेंगे तो सॉल्ट आप थोड़ा ही रखें पकौड़ों में। पकौड़े मैंने बना रही हूँ, ये फर्स्ट बैच है, मैं दूसरा डालने लगी हूँ। अपने हिसाब से हाथ से डालें, चम्मच से डालें और मैं दूसरा बैच डालने लगी हूँ। कढ़ी को पकते हुए एटलीस्ट 1.5 घंटा हो चुका है, देखें कितनी थिक हो गई है ये, कड़ी पक के तैयार हो गई है। मैंने पकौड़े डालने हैं इसमें और ये लास्ट वाला बैच में डाल देंगे इसमें, अब इसके बाद हम तड़का लगाएंगे। गर्म ऑयल लिया पकौड़ों वाले, इसमें मैं 2 भर के चम्मच लिए हैं जीरे के और सूखी लाल मिर्च, इसके ऊपर मैं इसके तड़का लगा दूँगी। ये है
जी माशाल्लाह पंजाबी कढ़ी का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ रुचा कीजिएगा, मुझे बताएगा अपने कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।